Hello guys, welcome to this beautiful session where we are discussing what will be the future of pharmaceutical industry after this pandemic. Today our guest is a very special guest tonight at our channel is none other than principal of Nagpur College of Pharmacy and उन्होंने अपना ये time दिया है दोस्तों very short session के लिए तो मैं जल्द ही उन्हें बुलाने वाला हूँ पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आज के टॉपिक के लिए हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एंड उन्हें वेलकम करेंगे ओके सो आज का जो टॉपिक है दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारे साथ वो है फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सो दोस्तों टुडेज टॉपिक इज फ्यूचर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आफ्टर दिस पेंडेमिक क्या क्या होने वाला है आज के जो हमारे गेस्ट है दोस्तों गेस्ट टुनाइट इज नन अदर देन डॉक्टर रवि कलसेट प्रिंसिपल ऑफ नागपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी अगर आपको नागपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में जो भी डिटेल जाननी है सो आप ncpngp.com में जा सकते हैं दोस्तों आज हम कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि आने वाले वक्त में फार्मास्यूटिकल्स में क्या हमें स्कोप मिल सकता है या फिर कुछ लोग अगर फार्मेसी की तरफ जाने वाले हैं सर्विस प्रोडक्ट एंड कैसे हमारी हेल्थ हम आफ्टर दिस कोविड आफ्टर दिस पैंडेमिक अच्छी रख पाएंगे ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं टुडेज सेशन में जहां पे हम बहुत सारे टॉपिक ये क्वेश्चन हम सर को पूछने वाले हैं सो वक्त ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं ये सेशन सर वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया सर वेलकम टू दिस सेशन सर धन्यवाद सुशांत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस वेरी नाइस सेशन एंड वेरी 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 नाइस टॉपिक यू हैव चोजन एंड थैंक यू फॉर दैट we'll just continue with our topic and our rest of the things that that will be likely benefited to all those the students the parents and all those the patients we can say those who are suffering with that corona or covid 19 so naturally this session will be helpful for all those people from Nagpur as well as in the Maharashtra and as well as throughout the India. Okay. So my first question to you, sir, how did you started this journey like in pharmacy and what will the challenges you faced and how did you started like I want to go to pharmacy because many people are searching for engineering, doctor, but pharmacy is एक्चुअली बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि फार्मेसी यानी सिर्फ एक दवाई की दुकान ही डालना है और बहुत सारे लोगों को यही एक कंसेप्ट है कि फार्मेसी यानी डिप्लोमा करना है डीफार्म करना और एक फार्मेसी की दुकान डाल देना इसीलिए ये जो प्रोफेशन है ये थोड़ा सा एक लो लेवल पे रहेगा एक्चुअली फार्मेसी प्रोफेशन जो है इट इज इन द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन तो जहाँ पे एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस होते हैं उसके बाद फार्मेसी आता है क्योंकि अगर डॉक्टर कोई चीज को डायग्नोस करता है पेशेंट को डायग्नोस करता है यानी उसको क्या बीमारी हुई अगर ये उसे पता चल जाता है तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है वो फार्मेसी का रहता है फार्मासिस्ट का रहता है वो दवाई का रहता है तो जो दवाई बनती है वो फार्मासिस्ट ही बनाता है तो फार्मेसी इज द वेरी पैरेलल प्रोफेशन विद दैट ऑफ ऑल दोस द डॉक्टर एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस जो भी आपको उनके साथ पैरेलल चलता है क्योंकि आप सिर्फ रोगों का निदान करके नहीं आपको आप किसी को ठीक नहीं कर सकते आपको उसको दवाई देनी पड़ेगी अगर आपका सर दर्द दे रहा है या आपको बीमारी हुई है या फिर आपको बुखार है तो आपको कुछ ना कुछ दवाई देके उसका बुखार कम करना ही पड़ेगा तो जो दवाई है वो फार्मासिस्ट बनाता है और उसके अलग अलग जगह पे रोल रहते हैं जैसा एजुकेशन में होगा इंडस्ट्री में होगा जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर होता है बाद में रिसर्च हो गया जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तब तक तो दवाई बनेगी नहीं और एक दवाई बनने को तो बहुत वक्त लग रहा है उसके बाद उसकी पैकेजिंग मार्केटिंग ये सारी आती है उसके तब तक वो एनालाइज नहीं होता और बाद में वो जाता है डॉक्टर के पास फिर डॉक्टर उसे जब प्रिस्क्राइब करते हैं और जब वो लोग उसे लेते हैं और वो ठीक होते हैं तो वो बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली फार्मासिस्ट आर एक्चुअली द
backbone or backstage. They are working backstage for all those the people throughout the globe. और मेरी जर्नी जो मैं कहना चाहता हूँ और बहुत लोगों को ये समझता है कि वे फार्मेसी के तो दुकान डालना तो वैसा नहीं है. मेरी जो जर्नी है वो मेरा बी फार्म करने से, ये नागपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये मेघे ग्रुप का है. आई एम थैंकफुल टू दत्ता जी मेघे सर, थैंकफुल टू सागर मेघे सर वो सेक्रेटरी है हमारे आगे, समीर मेघे सर, इन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. यही कॉलेज से मेरा बी फार्म हुआ है और यही कॉलेज से मेरा पीएचडी भी हुआ है और आज बहुत खुद को खुशी महसूस करता हूँ कि यही कॉलेज का मैं प्रिंसिपल भी बना. तो मेरी जर्नी है बी फार्म मैंने किया और जो 4 साल का कोर्स रहता है, अभी भी हमारे कॉलेज में बी फार्म और डी फार्म दोनों कोर्स है. बी फार्म 4 साल का रहता है और जो डिग्री कोर्स है डिप्लोमा जो रहता है वो 2 साल का कोर्स है. उसके बाद आपको करना पड़ता है एम फार्म, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन. तो एम फार्म अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं, आपको वो करने पड़ते हैं. उसके बाद मैंने एम फार्म मैंने किया और एम फार्म के बाद मैंने फिर पीएचडी किया. पीएचडी में करीबन मुझे 6-7 साल पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो हार्ट के ब्लॉकेज और ब्लड प्रेशर है उसके ऊपर मेरा पूरा रिसर्च था, उसके ऊपर पूरी दवाई बनाई मैंने. और उसके बाद फिर लेक्चररशिप, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रिंसिपल. तो ये मेरी पूरी जर्नी है और एक एकेडमिक्स की जर्नी है फार्मासिस्ट के लिए. दूसरा जो आप दवाई की दुकान बोलते हैं वो एक जर्नी है. तीसरा इंडस्ट्री में जाइए, इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है और अभी इसमें तो इंडस्ट्री में कभी कोई यही नहीं है रिसेशन आएगा ये आएगा ऐसा कुछ नहीं है. फार्मेसी के लिए बहुत सारे जॉब्स और अपॉर्चुनिटी बहुत है और ये प्रोफेशन एवरग्रीन प्रोफेशन, ये कभी नीचे नहीं जाता. बाद में रिसर्च जो है दवाई में रिसर्च करना पड़ता है वो एक फिर भी हम इतने मतलब 21st century में है, हमारे पास बेस्टेस्ट डॉक्टर है, बेस्टेस्ट मेडिसिन का सब कुछ है, फिर भी ऐसे कुछ पैंडेमिक आ जाता है एंड हम स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक मेडिसिन. सी मैं ये क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ कि आपका नॉलेज या आपका रिसर्च में या फिर आपके क्वालिफिकेशन में कोई कमतरता है, लेकिन फिर भी हम मेडिसिन अभी तक का एक प्रॉपर मेडिसिन क्यों नहीं बना पाए हैं, इफ इट इज अ एलिजिबल क्वेश्चन. ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और बहुत लोग यही चाहते हैं. बहुत लोग मुझे भी फोन करते हैं जो मुझे मिलते बोलते सर कोरोना पे अभी तक दवाई क्यों नहीं है. मेरा सर्विस नागपुर के लोग, महाराष्ट्र के या पूरे इंडिया के या फिर थ्रूआउट द ग्लोब, मेरे सभी लोगों से यही कहना है कि दवाई बनाना इतना आसान नहीं है दोस्तों. दवाई आपको सिर्फ दिखती है जब आप वो फार्मेसी से खरीदते हो ना, यदि कोई भी दवाई की स्ट्रिप या कैप्सूल या सायरप आप खरीदते हो, आपको सिर्फ आप पैसे दिए और आपने खरीद लिए. लेकिन उसके पीछे जो फार्मासिस्ट जो मेहनत करता है, द हार्डशिप ऑफ दैट फार्मासिस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए बहुत वक्त लगता है. वो इतना आसान नहीं है कोई भी चीज को बनाना है. दवाई एक बनाने के लिए बहुत अथक परिश्रम और अथक मेहनत और रिसर्च लगता है. अभी COVID-19 पेंडेमिक में भी जो हम आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अभी तक दवाई क्यों नहीं आई, तो कैसा है कि ये जो कोरोना जो वायरस है या COVID-19 हम जिसे कहेंगे, ये अभी हमारे लिए नया है. अब इसे मारने के लिए कौन सी दवाई काम करेंगी, ये तो रिसर्च एक फार्मासिस्ट को और एक साइंटिस्ट को करना पड़ेगा, तब जाके ही उसके ऊपर दवाई. ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी दवाई दे दी तो वो दवाई उसके ऊपर चलती है. सभी लोगों को पता है हर एक बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयां है, तो ऐसे ही इस दवाई के लिए भी दवाई जो अभी भारत से रहा, बाकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, रशिया ने भी वैक्सीन बनाया, यूएस ने भी, लेकिन सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि भारत इज द नंबर वन. तो हम लोग, हमारा जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास टैलेंटेड लोग है, रिसर्चर है जो बाकी देशों में भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है. तो नेचुरली इसकी दवाई आएंगी, लेकिन वैक्सीन बनाना तो ठीक है, वैक्सीन तो बन जाएंगी, एक थोड़ा सा रिसर्च करके वैक्सीन बन जाएंगी, लेकिन उसकी जो ह्यूमन पे टेस्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है. कैसा वैक्सीन बना दिए लेकिन काम ही नहीं कर रही है तो उसमें तो कोई मतलब नहीं है. तो जो टेस्ट के लिए रिसर्च करता है और जो वॉलंटियर्स लगते हैं वो उसके लिए ही अपना
थोड़ा सा वक्त लगता है कोई भी मेडिसिन आने के लिए। और एक सिंपल सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एक जो आप गोली खरीदते हो फार्मेसी से या फिर आपको एक डॉक्टर लिख के देते हैं, वो गोली के पीछे का जो रिसर्च है वो मैन्युफैक्चरिंग तक और आपके पहुंचने तक कम से कम 10 साल का रिसर्च लगता है, तब जाके वो मार्केट में आती है और तब जाके आप सेफली वो दवाई खाते हो। इम्पोर्टेंट है जब आप कोई दवाई खाते हो। और मैं सभी को ये भी कहना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट ऐसा फार्मेसी में जाके जब आप दवाई लेते हो तो डॉक्टर की सलाह लेते जाओ। विदाउट डॉक्टर की सलाह से कोई भी चीज, आपके घर में भी बहुत बार रहती है कोई भी मेडिसिन, तो एकदम से ऐसा मत लेते जाओ आपके डॉक्टर की सलाह से। कदम बहुत सारे जो बीपी वाले जो पेशेंट्स है, डायबिटिक वाले पेशेंट है, सालों से वही वही दवाइयां लेते रहते हैं, लेकिन हम 3 महीने बाद या 4 महीने बाद एक बार डॉक्टर की विजिट करना जरूरी है। डॉक्टर उसे आपकी हेल्थ को देखेगा, उसके बाद जो भी मेडिसिन में उनको लगता है कि कम ज्यादा करना है, कुछ बंद करना है, तो वो उनको देंगे। तो प्रॉपर सलाह से लेके आप डॉक्टर की भी सलाह लें और फार्मासिस्ट बैठता है उनकी भी सलाह लें, वो भी उतने नॉलेजेबल रहते हैं वो दवाई देने के लिए, और वो दोनों की सलाह से आप लेके ही आप दवाई करें, क्योंकि आपको सेफ मेडिसिन देना यही एक फार्मासिस्ट का काम है। तो जो भी वैक्सीन बन रही है वो भी सेफ रहनी चाहिए और इफेक्टिव रहनी चाहिए, तभी जाके उसका कुछ फायदा होगा। और वो रिसर्च को इतना टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन अभी पूरा देश दुनिया सब कोविड के पीछे ही लगी हुई है, तो जल्दी से आ जाएगा। बेस्ट। हाँ, यस सर। और सर, बीइंग अ बिजनेसमैन, सी आई एम इन डिजिटल, आई एम अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, मैं बिजनेस के बारे में लोगों को बताता हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स भी है मेरे। सो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है उसमें से, दीपक करके मुंबई से है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैं प्रमोशन कर रहा था इसके लिए, इस सेशन के लिए। सो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आफ्टर पेंडेमिक के बाद मेडिसिन आ गई, मान के चलिए मेडिसिन आ जाती है, तो मेडिसिन आने के बाद क्या प्रोसीजर, मतलब कैसे चेंज होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, लाइक मैं जेनरिक में ज्यादा, जैसे अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैं फार्मेसी का बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं जेनरिक में जाऊं पहले, एज एन जेनरिक का ये कहूँ कि गवर्नमेंट में भी ये आ जाएगा दवाई, सो या फिर मैं दूसरी जो है, जैसे जेनरिक के अलावा जो दूसरी मेडिसिन शॉप्स होती है उसमें जाना प्रिफर करूँ, तो कैसा फ्यूचर होने वाला है सर, मींस आफ्टर दिस मेडिसिन, मेडिसिन केम आउट के बाद क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो है बहुत लोगों में अभी भी जो मिसकंसेप्शन है जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन जो रहती है, तो देखा जाए तो दवाई दवाई है। आप अगर सरदर्द की दवाई ले रहे हैं या बुखार कम होने की दवाई ले रहे हैं तो दवाई दवाई है, सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन ये थोड़ी सी सस्ती है, और गवर्नमेंट ने वो इसीलिए किया है कि सारे लोगों तक दवाइयां पहुंचे और कम दाम में पहुंचे, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे यहाँ पे हेल्थ ही हम लोगों की अच्छी नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए और प्राइसिंग की भी जो ये है वो भी गवर्नमेंट ने सब किया हुआ। तो सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जेनेरिक ले सकते तो जेनेरिक लीजिए, आप ब्रांडेड लेना चाहते हैं ब्रांडेड लीजिए, उसमें कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और जब अगर बिजनेस में भी अगर आपको जाना है आफ्टर दिस पेंडेमिक, यू कैन गो फॉर द जेनेरिक और यू कैन गो फॉर जेनेरिक ने जो जन औषधि और बाकी जो गवर्नमेंट ने जो किया है, तो आप वो भी आप शुरू कर सकते हैं, उसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है, या फिर आपका जो रेगुलर फार्मेसी है वो भी शुरू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दवाई में कोई ये नहीं रहता, सिर्फ ब्रांडेड मेडिसिन क्या रहती है कि उसमें रिसर्च चलते रहता है कंटिन्यूअसली, उसकी मार्केटिंग होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा महंगा होता है। देखिए, कोई चीज के लिए मार्केटिंग करना, उसकी रिसर्च करना, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है, तो वो सारा चीजें कंपनी को तो मैपिंग करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ी सी वो महंगी रहती है। बाकी दवाई तो दवाई है, वो भी उसी तरह काम करेंगे, ये भी उसी तरह से काम करेंगे। ब्रांडेड का जो कंसेप्ट है, ये यूएस में है, अगर आप जाओगे तो वहां पे थोड़ा सा चीज अलग आती है, अपने यहाँ पे थोड़ा सा चीज अलग है, लेकिन बिजनेस आप कोई भी करेंगे तो सारा बिजनेस ठीक है। और दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद या COVID-19 के बाद भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये एक अच्छा अपने आप में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकबोन और सारा रिसर्च और रिसोर्सेस इंडिया में है, तो कोविड के बाद लो या कोविड के पहले लो, अपने आप में फार्मेसी इंडस्ट्री हमेशा बूम में और एक बहुत अच्छा मार्केट है। तो इंडस्ट्री या फिर आप आपकी फार्मेसी शॉप डाले, कोई दिक्कत नहीं है, आप आपका बिजनेस अच्छे से शुरू करें, बस एक ही है
आप एज ए फार्मासिस्ट आपको जो सोशल काम करना है या जो लोगों को जो देना है जो सेवा है वो आपकी अगर अच्छी रहे, आपका टेम्परामेंट एक अच्छा रहे, तो आप बिजनेस अच्छा ग्रो कर सकते। Okay, okay. Wow, wow, sir. So Deepak, you got the answer. Okay. So मेरा next question था sir आपसे कि कैसे हम ये pharmacy का journey जैसे आपने भी start किया है या फिर कोई normal जैसे 10th के बाद लोगों को पता नहीं रहता है, जैसे मुझे पता ही नहीं था, मैं आपको to be very honest with you कि 10th के बाद मुझे पता ही नहीं था मुझे ग्यारहवीं करना है, बारहवीं करना है, कहीं करना है, तो मैं I choose for diploma in information technology, फिर उसके बाद engineering, फिर MBA किया मैंने। बट अगर किसी को फार्मा इंडस्ट्री में जाना है तो वो 10th के बाद जा सकता है या 12th के बाद जा सकता है, क्या प्रोसीजर रहेगी, हाउ टू बिकम अ स्पेशलिस्ट? ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया सभी के लिए, क्योंकि अभी एमएसटी सीटी जो एग्जाम है स्टूडेंट लोगों को सभी को पता है एमएसटी सीटी या फिर एंट्रेंस एग्जाम जो रहती है, तो जैसे मेडिकल एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस के लिए नीट की एग्जाम रहती है जो नेशनल लेवल रहती है, वैसे ही महाराष्ट्र स्टेट में एमएसटी सीटी एग्जाम रहती है जिसके थ्रू आप फार्म कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। पहले था वो कि 10वीं के बाद आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, अभी वैसा नहीं है, अभी आपको 12th करना ही पड़ता है। तो 12th में साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी 11th में आया अभी जो 12th में है, आप इतनी मेहनत करो कि कम से कम 50% मार्क को आपको मिलने चाहिए, उससे ज्यादा ही मिलने चाहिए, कम नहीं। तो 12th के बाद ही आपका डिप्लोमा यानी डी फार्म कर सकते हो, 12th के बाद ही आप बी फार्म कर सकते हो। तो डिप्लोमा के लिए क्या है कि आपको डायरेक्ट 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन मिलती है, लेकिन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डीटीई का जो वेबसाइट रहता है उसके ऊपर लिंक आती है, वहां पे रजिस्टर करके आपको आपके सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी पड़ती है और फिर उसकी जनरल मेरिट लिस्ट लगती है और बाकी आपको कॉलेज सिलेक्ट करने पड़ते हैं। वो कॉलेज में अगर आपका मेरिट बेस पे अगर नंबर लग गया तो आपका वो कॉलेज में एडमिशन होता है, तो आपका डिप्लोमा हो जाएगा। डिग्री के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको एमएसटी सीटी या नीट ये एग्जाम आपको देनी जरूरी है, अगर आपने अगर वो दी नहीं तो आपको कोई भी महाराष्ट्र में कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेंगे, वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें आपको बी फार्म में जैसा अलग अलग कैटेगरी के लिए तो एक कम से कम 50% मार्क आपको चाहिए, पीसीबी या पीसीएम जो रहता है ग्रुप, तो पीसीबी या पीसीएम कोई भी ग्रुप रहा तभी भी चलता है, लेकिन आपको 50% मार्क चाहिए, यानी 50 मैं पूरा क्राइटेरिया नहीं बता रहा है, एटलीस्ट 50% मार्क आपको उसमें चाहिए और एमएसटी सीईटी यानी ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये दी हुई चाहिए, और उसके बाद आप रेगुलर एडमिशन प्रोसेस में जाके कॉलेज का नाम सिलेक्ट करके वो कॉलेज बेसिस पे आपको मिलता है। तो ये एंट्रेंस हो गया फार्मेसी में आने के लिए, और फिर उसके बाद तो फिर एमफिल पीएचडी तो फिर आपके ऊपर है आपको किस दिशा में जाना है। बहुत बार बच्चे फार्मेसी स्टाफ शुरू करने की जो ये रहता है उस हिसाब से आते हैं, बहुत से डिप्लोमा के बाद आपको डिग्री में एडमिशन मिलती है जिसे लैटरल एंट्री कहते हैं, तो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती है, तो वो सारा प्रोसेस है। तो 10वीं के बाद नहीं होता, वो बंद हो चुका है, 12th के बाद ही आपको डिप्लोमा भी करना था 12th के बाद, डिग्री भी करना था 12th के बाद। डिप्लोमा 2 साल का है और डिग्री आपकी 4 साल की। सर जैसे आपने मिथ को दूर कर ही दिया है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में था कि मिथ ऑफ फार्मा मेडिसिन जर्नी एंड द ब्रांडेड वन। सर उसके बाद एक और क्वेश्चन था, जैसी मेजर डिसीज होते हैं लाइक हार्ट डिसीज है, किडनी डिसीज है, लंग कैंसर, मतलब बड़े बड़े डिसीजेज है, क्या इसके लिए मींस कोई स्पेशल दवाई या ट्रीटमेंट होती है जो अभी आ चुकी है? ऐसी देखिए हमें वही पता चलता है जो डॉक्टर बताते हैं और यहाँ के डॉक्टर जो बताते हैं, आपके नॉलेज में होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे कि ऐसा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है क्या जो जल्दी हो जाए, आपके नॉलेज में ऐसा कुछ है जो आप हमें हमसे शेयर कर सकते हैं? देखिए दवाई में रिसर्च तो लगातार और निरंतर चलते रहता है, रोज जैसा हमारे कॉलेज में भी है तो एमफार्म के स्टूडेंट्स अगर रहे या पीएचडी के स्टूडेंट्स है अभी मेरे, वो अलग अलग टेक्निक्स पे अलग अलग डिसीज पे रिसर्च कर रहे हैं। तो दवाई बनाने का जो ये है तो रिसर्च तो कंटिन्यू चलते रहा, अब जो रहा बेसिक ये है जो मेजर डिसीजेस है तो नेचुरली अभी थ्रू आउट द ग्लोब नंबर वन किलर इज कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, तो जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं जिसमें आपका कोरोनरी आर्टरी यानी जो ब्लॉकेजेस आते हैं जिसमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक करते हैं, तो ये जो कार्डियोवास्कुलर है हार्ट अटैक, तो ये नंबर वन किलर है, उसके बाद फिर कैंसर का नंबर आता है और उसके बाद फिर बाकी जो डिसीजेस है उनके नंबर आते हैं। तो
मेजर डिसीज अगर हम यहाँ पे आप अगर फोकस करना चाहोगे तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी हार्ट से रिलेटेड यानी आपके हृदय से रिलेटेड जितने भी बीमारियां है वो, और दूसरा जो है कैंसर से रिलेटेड जो बीमारियां है वो, तो इस सब के लिए दवाइयां ऑलरेडी थ्रू आउट द ग्लोब अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है या कोई ज्यादा उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दवाइयां ऑलरेडी अवेलेबल है और उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, निरंतर कुछ नई नई दवाइयां आ रही है। तो और ये कोरोना COVID-19 पेंडेमिक में आप आपके अगर आप बहुत से पेशेंट आज अगर आप 10 घर अगर देखोगे तो उसमें से 8 घरों में आपको बीपी वाले और शुगर वाले पेशेंट आपको मिलेंगे। हाँ, उन लोगों ने अपनी खुद की जो प्रिकॉशंस जो लेनी है वो बराबर लेनी है, आपका डॉक्टर का कंसल्ट आप बराबर करें और आपके फार्मासिस्ट से भी आप बराबर कंसल्ट करें ताकि आपको दवाइयां बराबर मिल सके और आप बराबर उसे ले सके। बहुत बार होता है कि बीपी की गोलियां बहुत लोग खाते हैं लेकिन खाना है इसलिए खाते हैं, कैसा है कि अगर बीपी की गोली अगर दी है आपको अगर बोला है कि दिन में 2 बार तो दिन 24 घंटे का होता है, लोग 12 घंटे कंसिडर करते हैं, दिन में 2 बार यानी सुबह सुबह जो दिन का उजाला उसमें 2 बार, वैसा नहीं है, आपको दिन में 2 बार आने 12 घंटे बाद दूसरी दवाई लेनी है, दिन में 3 बार आने 8 घंटे के अंतर के बाद आपको गोली लेनी है। तो अगर आपका प्रोसेस बराबर फॉलो करो तो आपकी हार्ट जो ये है ब्लड प्रेशर है या फिर आपका शुगर लेवल है वो बराबर मेंटेन रहे। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना उतना सहज नहीं होता तो आप आपके फार्मासिस्ट के पास जा सकते हैं, फार्मासिस्ट आपको हेल्प करेगा। मैं खुद काउंसिलिंग करता हूँ, बहुत से लोग मुझे आते मिलते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि वो हमारा बीपी तो कम होता ही नहीं, तो उनको जो दवाई जो डॉक्टर ने लिख के दी हुई है दिन में 2 बार या 3 बार तो वो उसको बराबर लेते नहीं है, इसीलिए उनका बीपी या शुगर कंट्रोल नहीं होता, तो उसे बराबर टाइम से और जैसा डॉक्टर ने कहा उस तरह से लीजिए तो आपका कोई ज्यादा तकलीफ वाला काम है नहीं। और कोरोना में COVID-19 पेंडेमिक में जो बीपी वाले जो लोग है या जो शुगर वाले जो लोग है उन्होंने उनकी खुद की स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बाहर जाएंगे तो मास्क लगाइए और जो डिस्टेंस मेंटेन करना है 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है वो कीजिए, गर्दी मत कीजिए। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग मास्क तो पहनते हैं लेकिन जब उनको छींक आती है तो मास्क नीचे करते और छींकते हैं, तो आपने तो पूरा सिस्टम पे गुजर दिया, आपको छींक आई है तो आप मास्क नहीं छींके ताकि वो कोरोना वायरस अगर होगा तो बाहर स्प्रेड नहीं हो, तो लोगों को ये थोड़ा सा अवेयरनेस देना जरूरी है। तो इस हिसाब से आप आपकी प्रिकॉशंस ले सकते हैं और बाकी जो हम जो जिनको नहीं है कोई डिसीज तो उनके लिए तो जो रेगुलर जो गवर्नमेंट ने जो दी हुई है कोरोना के लिए जो प्रिकॉशंस वो करनी है, जो डायबिटिक और हार्ट पेशेंट है तो उन्होंने अपनी दवाइयां बराबर लीजिए, आपकी प्रिकॉशंस बराबर लीजिए, जो एजेड लोग है वो घर से बाहर अगर बहुत जरूरी है तभी बाहर निकले, नहीं तो आपके घर में ही सुरक्षित रहे, क्योंकि हार्ट और डायबिटिक पेशेंट में इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, एज अगर होता है उसमें इम्यूनिटी कम होती है तो अगर ये इन्फेक्शन हुआ तो ज्यादा फैल सकता है, तो ज्यादा डेंजरस है, तो इसीलिए अपना प्रिकॉशंस लेना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनके भी जो जिनके घर में ऐसे पेशेंट है तो वो वहां पे जितने भी लोग हैं जो बाहर नौकरी के लिए जाते हैं तो उन लोगों ने भी खुद की प्रिकॉशंस करनी चाहिए ताकि आप कैरियर होके उनको ट्रांसमिट ना कर सके, भले वो बाहर नहीं गए लेकिन आपके थ्रू उनको हो सकता है। बार बार हाथ धोइए, ऑफिस से आने के बाद घर में डायरेक्ट आप बाथरूम में जाइए आप नहा लीजिए और आपका ब्रश कीजिए ताकि जो भी माउथ में अगर होगा तो वो निकलेंगे, आपकी जो नोसिल है नाक है वो बराबर आप थोड़ा सा वार्म वाटर लेके थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके उसे वॉश कीजिए और वेपर्स ले सकते तो वेपर्स लीजिए ताकि आप कंटेमिनेट बाकी लोगों को न कर सको, और सैनिटाइजर तो जो रेगुलर यूज है वो तो बताया हुआ है वो कर सकते। ओके, सो लास्टली मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि सर का एक रिसर्च प्रोडक्ट है, सर ने उसमें पेटेंट हासिल कर चुके हैं उस रिसर्च प्रोडक्ट में, सो सर अगर आप उस बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहे तो, लेकिन उससे पहले मैं स्क्रीन में वो शेयर कर दूं, सर का ये रिसर्च प्रोडक्ट देखिए, कार्डो एक्टिव LS Pro, इफ आई एम राइट सर, दिस इज द मेन,
यस एक्टिव लेस प्रो डाइटरी सप्लीमेंट सर ने इसमें एक पेटेंट हासिल कर चुका है सर। सर आप इसमें कुछ जानकारी हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? हाँ, ये एक्चुअली कैसा है, जो मेरा रिसर्च प्रोडक्ट है ना, मेरा पीएचडी का ही ये वर्क था। मेरा जो भी अभी पिछले जो भी 10 साल मैंने जो रिसर्च किया हुआ है, वो मैंने लौकी पे ही रिसर्च किया। लौकी के बारे में सब लोग जानते हैं, लौकी का जूस पीना तो फायदेशीर है ही है, यानी फायदेमंद होता ही है, सभी लोगों को पता है। लेकिन कैसा कि फार्मासिस्ट का एक काम है कि दवाई को जैसा पेशेंट कंप्लायंस होना चाहिए। आपको मैं कुछ चीज दे दूं तो मैं अगर आपको बोलूंगा बस ये लो यानी लौकी रोज खानी चाहिए, तो कोई भी लोग रोज लौकी नहीं खाएंगे। और अब अगर आप इसमें जाते हो, कहाँ गार्डन में भी जाते हो जहाँ पे लौकी का जूस मिलता है, तो लोग रोज लौकी का जूस पीते नहीं। तो उसके ऊपर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और ये सब रिसर्च करके मैंने फिर ये प्रोडक्ट मैंने बनाया। और ये एक कंपनी है, हमारे फ्रेंड की कंपनी है, LS फार्मास्यूटिकल्स, तो उनको दिया है। तो वो लोग इसको मार्केट करते हैं, मैं उनको कंसल्टेशन करता हूँ किस तरह से रहना चाहिए। तो दे आर मार्केटिंग माय प्रोडक्ट और अच्छा रिजल्ट्स है। और जिनको कुछ पूछना है इसके बारे में तो वो डायरेक्ट मुझे पूछते हैं कि सर किस तरह से फायदा होगा, क्या होगा, तो डायरेक्ट मुझे कंसल्ट करते हैं। तो मैं उन्हें फ्री ऑफ चार्ज में उनको कंसल्टेशन देता हूँ, क्योंकि वो तो एक सेवा है कि सभी को एक अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो पहले जो स्टूडेंट्स लोग हैं जिनको फार्मेसी करियर बनाना है, तो उनको किस तरह से आना है, क्या प्रोसीजर है, तो आप नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ जो नंबर है उस पर मुझे फोन करके ये कर सकते हैं। तो मैं एज ए प्रिंसिपल ऑफ नागपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हमारा कॉलेज जो है ये YCC जो कैंपस है वाना डोंगरी में, वहां पे है। और ये 1982 से ये कॉलेज है, मेघे साहब का ये कॉलेज है, एक ब्रांड है मेघे सर का या मेघे ग्रुप का एक ब्रांड है, वैसा ही एक नागपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी उसके अंडर इसका भी एक ब्रांड है। YCC जो है हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी एक ब्रांड है। तो लोगों को ये पता है, तो आपको अगर फार्मेसी के बारे में, करियर के बारे में अगर आपको पूछना है, तो आप बिल्कुल मुझे फोन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। डिप्लोमा और डिग्री एडमिशन के लिए हमारे यहाँ पे डिग्री में 100 सीट्स है और डिप्लोमा में 60 सीट है, उसकी कैसे एडमिशन प्रोसीजर है, क्या है, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग करूंगा। और दूसरे जो ब्लड प्रेशर वाले या डायबिटिक वाले जो भी पेशेंट्स है, उनको कुछ पूछना है उनकी दवाइयों के बारे में या ब्लड प्रेशर के बारे में, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है या मेरा जो रिसर्च है उसके बारे में अगर पूछना है, तो मैं उसके लिए भी आपको काउंसिलिंग बिल्कुल करता हूँ। ये जैसा अगर आपने यहाँ पे दिखा रहे हैं जो हमारी कॉलेज की जो वेबसाइट है, तो राइट हैंड साइड में आपको डिप्लोमा एडमिशन ओपन का जो प्रोसेस जो लिखा हुआ है, वो जो लिंक है, वहाँ लिंक में जाके आप डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स है जिनको डिप्लोमा करना है, 12th के जो स्टूडेंट जिनको डिप्लोमा करना है, वो वहाँ जाके वो फॉर्म भर सकते हैं, वो गवर्नमेंट का फॉर्म वो दिया है। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे रिसर्च है, स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स है, पेटेंट है हमारे कॉलेज में, अभी करीबन हमारे पूरे स्टाफ ने पब्लिकेशन अगर आप देखोगे तो पब्लिकेशन में हमारे करीबन 6 से 8 पब्लिकेशन हमारे कोरोना पे ही हुए है, यानी हमने जो रिव्यू आर्टिकल्स और ये बनाया है तो ये सारे कोरोना पे है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे रिसर्च और पेटेंट है, हमारे कॉलेज को एक पेटेंट ग्रांट हुआ है, दूसरा पेटेंट अभी हमारा और एक आने वाला है। हमारे मेघे ग्रुप के अब तक करीबन 65 पेटेंट फाइल हो चुके हैं, और वो भी ये साल अभी एक 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 पेटेंट हमारे ग्रुप को मिलेंगे। सो मेघे ग्रुप रिसर्च एकेडमिक्स और बाकी सारी चीजों में एकदम बढ़िया काम कर रहा है, और वैसे रिसर्चर भी यहाँ पे, ये मेघे ग्रुप का जो टेस्टिमोनियल्स है ये अगर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग है, हमारे यहाँ फार्मेसी है, हमारे आयुर्वेदिक है, हमारे यहाँ पे मेडिकल MBBS है, हमारे यहाँ पे ये है अपना फिजियोथेरेपी है, इंजीनियरिंग तो है ही है। तो सारे कोर्सेस हमारे इधर है, एक हमारा वाना डोंगरी में एक कैंपस है, दूसरा हमारा दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वर्धा DMIMS DU वर्धा, वहाँ पे भी है।
वो तो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी हमारा फार्मेसी कॉलेज है, दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आप वहां पे भी एडमिशन ले सकते हो। वहां पे मेडिकल कॉलेज है, डेंटल है, आयुर्वेदिक है, सारी चीजें। तो मेघे ग्रुप में, इन अंडर मेघे ग्रुप हमारा एजुकेशन फील्ड में सारी चीजें है, एंड वी आर गिविंग बेटर टू एंड वी आर सर्विंग वेरी गुड टू ऑल दोस द स्टूडेंट्स। अगर देखेंगे SOS जो स्कूल ऑफ स्कॉलर है, वो भी हमारा मेघे ग्रुप का, एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। आई एम थैंकफुल अगेन कि हमारे दत्ता मेघे सर और सागर सर, समीर सर, इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके आशीर्वाद हमारे पास, हमारे ऊपर ऐसे ही रहने चाहिए, और ताकि हम भी लोगों को इसी तरह से अच्छे से, अच्छे भाव से हम लोगों को सेवा दे सके। तो दो तरीके मैं काउंसिल करूंगा, एक तो जितने भी स्टूडेंट है उनको अगर पूछना है तो मुझे पूछे, मैं आपको फार्मेसी एजुकेशन और कैसे एडमिशन लेना, डिप्लोमा डिग्री है, तो मैं वो बताऊंगा। दूसरा, जो पेशेंट है, हार्ट वाले जो पेशेंट है, ब्लड प्रेशर और डायबिटिक वाले, वो मुझे बिन दिक्कत पूछे आपको क्या प्रॉब्लम है, आप पूछिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट थे हमारे, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे टॉपिक को के जरिए हमें बहुत ज्यादा नॉलेज दिया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो लोगों को करना होता है, फार्मा, डी फार्मा, बी फार्मा करना होता है। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा है कि हम मेडिसिन के जरिए ज्यादा और नॉलेज गेन कर पाए, अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं है तब भी। सो आज का ये टॉपिक, हमारे गेस्ट जो थे आज के डॉक्टर रवि कंसोट सर, प्रिंसिपल ऑफ नागपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आप इसके जरिए बहुत ज्यादा और भी नॉलेज ले सकते हैं। वेबसाइट में www.ncpngp.com नागपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जो ऑथेंटिक सीट है। इसके बाद हमने आज डिस्कस किया हाउ डिड वी स्टार्ट इन जर्नी, COVID-19 मेडिसिन के बाद क्या होने वाला है, कैसे COVID-19 मेडिसिन आ सकते हैं मार्केट में, हाउ समवन कैन बिकम अ फार्मा स्पेशलिस्ट, मिथ्स क्या है, हमने सारे इसमें डिस्कस किए कि स्पेशल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है किसी चीज का, एंड देन एनी सजेशन, तो सर ने हमें बहुत अच्छे सजेशन दिए हैं। दोस्तों, अगर हम मिस हो जाता है तो आप क्वेश्चन आंसर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर हम बहुत ही देंगे। ये वीडियो हर चैनल में रहेगा, हमारे यूट्यूब के, IGTV के, फेसबुक के, जिसमें आप ये लाइव देख रहे हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है, एक फॉर्म दिया है, फॉर्म और नंबर आप फिलअप करके हम डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं हो सका तो हम फिलअप कर दीजिए फॉर्म, हम डायरेक्टली आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। ओके, सो दोस्तों, आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं सर को और हमारे सभी व्यूअर्स के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारे मैग्नेट फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड सर, विश यू गुड लक फॉर नागपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बहुत ज्यादा एडमिशन हो हमारे हमारे व्यूअर्स हमारे एडमिशन के जरिए। हम चाहते हैं में भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैंड टू हैंड ज्वाइन करें, ताकि आने वाला फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छा हो। ओके, क्योंकि हमारे पास हैंड लगेंगे ही आने वाले वक्त में। और ये सेशन मैं सर आपको, आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से इसलिए बताना चाहूंगा लोगों को कि मैंने ये मुहिम इसलिए रन की थी कि बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैली थी मार्केट में, सो एक पॉजिटिविटी के लिए अगर इस सेशन के थ्रू कोई एक भी मोटिवेट हो पाता है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। सो वी कैन ब्रेक अप विद दिस कोरोना एंड वी कैन फाइट बैक, लेट्स फाइट बैक एंड ब्रेक अप विद दिस कोरोना। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। और आपकी जो टैगलाइन है ब्रेकअप विद कोरोना, मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्रेकअप विद कोरोना, लेट्स फाइट बैक। सो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारे व्यूवर्स का भी मुझे धन्यवाद। आपको कहीं पे भी अगर आप मेरे कंसल्टेशन का ये लगे तो आप मुझे बिल्कुल फोन कीजिए, आई विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ यू दोनों इसे। और थैंक यू शीशान सर, आपने मुझे बुलाया इसी माध्यम से, कैसा एक नागपुर कॉलेज ऑफ फार्मेसी का भी ब्रांड हुआ, हमारा भी हुआ, और लोगों को भी एक अवेयरनेस आई है, राइट, तो वो एक ज्यादा अच्छा है।
थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू शशांक सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सर, बाय बाय सर, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, यस.